हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है प्रिंटर के बारे में। तो आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन आपके पास प्रिंटर है तो इस प्रिंटर आपको पीसी या लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करे और कनेक्ट करने के बाद उसमें कैसे इंस्टॉल करे और इंस्टॉल करने के बाद उसमें कैसे प्रिंट निकाले, तो जो सभी प्रोसेस है तो इस प्रोसेस वास में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए गाइस इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे हमारा न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले गाइस आपको लेना है प्रिंटर। जिस प्रिंटर आपको पीसी से कनेक्ट करना है वही आपको प्रिंटर लेना है। तो वहां से हमने एचपी का प्रिंटर है तो वहां से हमने ले लिए, और लेने के बाद आपको जो उसमें यूएसबी केबल है तो इस केबल आपको इस तरह आपको केबल है तो इस केबल आपको प्रिंटर में लगाना है, और लगाने के बाद आपको जो यूएसबी केबल है तो इस केबल आपको सीपी में लगा देना है। तो चले गए वहां में जो यूएसबी केबल है तो इस केबल आपको सीपी में लगा देना है, क्योंकि आपको पीसी से प्रिंटर कनेक्ट करना है तो इस तरह आपको लगा देना है। तो चले गए वहां से मैंने लगा दिया है सीपी में, और लगाने के बाद आपको जो प्रिंटर का जो पावर केबल है तो इस पावर केबल आपको लाइट में लगा देना है। लाइट में लगाने के बाद आपको स्विच को ऑन कर देना है। तो चले गए वहां से मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ, और ऑन करने के बाद जो हमारा प्रिंटर है तो भाई हमारा प्रिंटर ऑन हो गया है। और प्रिंटर ऑन होने के बाद आपको गैस आ जाना है पीसी में। तो चले गए वहां से मैं पीसी को ऑन कर देता हूँ, और पीसी में आने के बाद आपको जाना है ब्राउजर में, क्योंकि गैस वहां से आपको ड्राइव डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जिस प्रिंटर है तो इस प्रिंटर का आपको ड्राइव डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले गैस आपको जाना है क्रोम में। तो चले गए वहां से मैं गूगल क्रोम को ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है एचपी लेजर M1136 का जो हमारा प्रिंटर है। तो वहां से मैंने नाम लिख दिया है, आपका जिस प्रिंटर है वही आपका नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो चले गए वहां से मैंने सर्च कर देता हूँ, और सर्च करने के बाद आपको आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद गैस उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चले गए वहां से मैं ड्राइव डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो वहां से मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद वहां से आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप ड्राइव डाउनलोड करना है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चले गए वहां से मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, तो वहां से मैं इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ। तो वहां से आप डाउनलोड का ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चले गए वहां से मैं जाता हूँ डेस्कटॉप में, क्योंकि वहां से हमने जो डाउनलोड किया है वही हमने डेस्कटॉप में ले लिया है। तो वहां से आपको आ जाना है ड्राइव में, और ड्राइव में आने के बाद आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। तो चले गए वहां से मैं उसको ओपन कर देता हूँ, और हमारा जो ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद आपको रन पे क्लिक कर देना है। तो गैस वहां से आपको रन पे क्लिक करना है। तो चलिए वहां से मैं रन पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें जो प्रोसेस है तो वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह वहां से आपको उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो गैस वहां से आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद उसमें जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और होने के बाद आपको इस तरह आपको इंटरफेस सबसे पहले दिखने को मिल जाएंगे। तो गैस हमारा जो एचपी का प्रिंटर है तो वहां से हमारा आ गया है। तो चले गए वहां से आपको यूएसबी इंस्टॉल, तो सबसे पहले वहां से हमने कनेक्ट करके आपको बता दिया है। तो इस तरह आपको यूएसबी पीसी से कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आपको यूएसबी इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल प्रिंटर सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देना है। तो चले गए वहां से मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो गैस वहां से हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चले गए वहां से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको जिस प्रिंटर है इस प्रिंटर वहां से आपको सिलेक्ट करना है। तो चले गए वहां से मैं थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चले गए वहां से मैं क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो गैस वहां से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो गैस वहां से आपको वेट करना है, क्योंकि उसमें प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो गैस वहां से आपको वेट करना है। तो जो भी हमने जो प्रिंटर है तो इस प्रिंटर का जो हमारा ड्राइव है तो इस ड्राइव वहां से हमारा इंस्टॉल पीसी में हो रहा है। तो इस तरह आपको इंस्टॉल करना है। तो चले गैस आगे जो प्रोसेस है तो इस प्रोसेस वहां से मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा जो प्रिंटर है तो इस प्रिंटर वहां से हमारा पीसी से कनेक्ट हो गया है। तो उसमें हमारा जो ड्राइव है पर ड्राइव को हमारा इंस्टॉल भी हो रहा है। तो इस तरह वहां से आपको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आपको ड्राइव को इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस वहां से मैंने जो स्टार्ट में बताया है तो इस तरह आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको जो प्रिंटर है
तो इस प्रिंटर सबसे पहले आपको पीसी से कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद आपको ऑन करना है और ऑन करने के बाद आपको जो ड्राइव है तो इस ड्राइव आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से इंस्टॉल करना है। तो गाइस हमारा जो ड्राइव हमने डाउनलोड किया है वही हमारा पीसी में इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरह आप भी इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल होने के बाद जो आगे जो प्रोसेस है तो इस प्रोसेस वहां से मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो हमारा जो ड्राइव है तो इस ड्राइव वहां से हमारा कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया है। तो गाइस उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो भी हमने ड्राइव डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है वही से हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह आपको ड्राइव को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो गाइस इस तरह आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो गाइस आगे जो प्रोसेस है इस प्रोसेस बाद में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्योंकि गाइस उसमें जो टाइम लगेगा क्योंकि आपका जो ड्राइव है तो इस ड्राइव वहां से आपको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस अभी वहां से आपको वेट करना है। तो जो भी आगे जो प्रोसेस है वही प्रोसेस वहां स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वहां से हमने कनेक्ट करके आपको बता दिया और कनेक्ट करने के बाद आपको डाउनलोड करके भी बता दिया। डाउनलोड करने के बाद हमारा जो प्रोसेस है तो प्रोसेस वहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो चलो गाइस आगे मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि हमारा जो ड्राइव है तो इस ड्राइव वहां से हमारा पीसी में इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए वहां से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रिंटर है तो इस प्रिंटर से वहां हमारा एक प्रिंट भी ऑटोमेटिक वहां से निकल गया है क्योंकि सबसे पहले आपको जो फर्स्ट में इंस्टॉल करोगे तो वहां से आपको प्रिंटर का उसमें प्रिंट निकलेगा। तो चलिए गाइस वहां से मैं इस प्रिंट को आपको बता देता हूँ। तो गाइस उसमें हमारा जो प्रिंटर है तो इस प्रिंटर में हमारा एक प्रिंट भी निकल गया है क्योंकि हमने जो फर्स्ट में इंस्टॉल किया है। तो इस तरह आपको प्रिंट को आपको दिखने को मिल जाएंगे। जो भी हमारा एचपी लेजर का जो हमारा प्रिंटर है तो इस प्रिंटर का वहां हमारा प्रिंट भी निकल गया है। तो गाइस इस तरह आपको प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो चले गए वहां से मैं एक दूसरा प्रिंट निकाल के आपको बता देता हूँ कि वहां से हमने जो प्रिंटर को ड्राइव को कनेक्ट करके इंस्टॉल किया है वही हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चले गए वहां से मैं एक प्रिंट निकाल के आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं जाता हूँ एमएस वर्ड में। तो चले गए वहां से मैं एमएस वर्ड को ओपन कर देता हूँ क्योंकि उसमें जो पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ का मैं प्रिंट निकाल के आपको बता देता हूँ। तो वहां से मैं जाता हूँ प्रिंट में और प्रिंट में जाने के बाद गाइस उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंटर का नाम है वही हमारा नाम भी आ गया है। तो चले गाइस वहां से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस वहां से मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो वहां से हमारा प्रिंटर से प्रिंट वहां से निकल रहा है। तो वहां से हमारा कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया है। तो गाइस इस तरह आपको जो प्रिंटर है तो इस प्रिंटर वहां से आपको पीसी से कनेक्ट करना है तो इस तरह आप कनेक्ट भी कर सकते हो और वहां से आपको ड्राइव को डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो और वहां से आपको प्रिंट निकालना है तो गाइस इस तरह आपको प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो चलो गाइस वहां से मैंने सभी जो प्रोसेस था इस प्रोसेस वहां से मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है तो इस तरह आप भी कर सकते हो। तो चलो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।